ओम साई राम, जय साई राम। मेरा नाम पूनम है। हम लोग यूके में रहते हैं। ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। पहले हम गुड़गांव में रहते थे। और मेरे साथ बाबा के बहुत अनुभव हुए हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। मैं अभी दो एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ आने के बाद हुए हैं। एक तो एक्सपीरियंस ये है कि मैंने बाबा का सप्ताह पारायण किया था। मेरे हस्बैंड जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे यहाँ पे और उनकी इंटरव्यूज़ चल रही थी, तो मैंने जैसे ही बाबा का पारायण शुरू किया तो उसके बाद से उसी हफ्ते में इनकी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लाइन अप हुई। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब तक मेरा पारायण पूरा हुआ, मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई थी, इनको ऑफर लेटर मिल गया था। ये एक मेरा पहला अनुभव जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दूसरा ये है कि जब मैं गुड़गांव में थी तो मैं साईं का आंगन बहुत ज़्यादा जाती थी। ऑलमोस्ट एवरी थर्सडे और वीकेंड पे मॉर्निंग बच्चे और हस्बैंड के उठने से पहले मैं जाती थी सुबह की आरती अटेंड करने। तो मैं यहाँ पे बहुत मिस करती थी मंदिर को, क्योंकि यहाँ पे मंदिर नहीं है बाबा का। तो एक दिन ऐसे ही आरती के टाइम जब मैं यहाँ पे शाम को घर पे आरती करती हूँ तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा, आपने मुझे शिरडी नहीं बुलाया कभी भी, और अब तो साईं का आंगन भी छूट गया मेरे से, तो मतलब कब कब बुलाओगे? मतलब मेरी इतना इतना क्या किया है मैंने कि मेरे को शिरडी नहीं बुलाया। मैं जब गई थी 2013 में तब मैं बाबा को जानती भी नहीं थी। तो उसी दिन रात को जब सोई तो आप मानोगे नहीं, मुझे सपने में जो देखा, सपने में ये देखा कि एक खिड़की है। जब मैंने खिड़की खोली, मैं खिड़की खोल के देखती हूँ तो सामने बाबा का जो समाधि मंदिर है, जो समाधि मंदिर में बाबा की फ़ोटो है मेन, जो हम टीवी में देखते हैं रोज़ सुबह शाम लाइव, वो मैं देखती हूँ साई लीला टीवी पे, तो वो फ़ोटो की बैक साइड मुझे दिखी। और जब मैं सुबह उठी तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे बाबा के दर्शन होंगे, वो भी समाधि मंदिर के सपने में। पहले बाबा मुझे आ चुके हैं सपने में 2 बार, पर समाधि मंदिर के कभी भी नहीं सपने में आए। बाबा ने मेरे दिल की बात जान ली, क्योंकि मैंने बाबा को यही बोला था कि बाबा, अब मैं एक दूसरे देश में आ गई हूँ, अब तो शिरडी आना पता नहीं कब पॉसिबल होगा। पहले तो फिर भी आ सकती थी जब इंडिया में थी। तो उसी दिन बाबा ने मुझे अपने दर्शन दिए, और वो भी शिरडी के दर्शन दिए। तो बाबा हर पल हमारे साथ है, हर मोमेंट वो हमारे साथ रहते हैं। मन में जो होता है उनको सब पता चल जाता है। कई बार तो मन में ही चीज़ होती है तो वो कर देते हैं। तो बाबा के साथ बहुत प्यारा अनुभव होता है, मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में, बट आई रियली लव हिम सो मच। एवरी डे मेरा दिन उनसे शुरू होता है, ख़त्म उन पे होता है। तो सुबह उठते ही मैं बाबा के दर्शन करती हूँ। सबसे पहले सोने से पहले मैं बाबा के दर्शन करती हूँ। दिन में पता नहीं कितनी बार साई बोलती हूँ। हर टाइम मेरे दिल और दिमाग में बाबा ही रहते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।